Hey everyone, welcome back to Need Shots. So my name is Akriti Goyal. I am an engineer from BITS Pilani. I did my dual degree in electronics and MSc economics in the year 2010 and I passed out in 2015. And uh, then I worked in a couple of startups uh, in Bangalore and I largely uh, did roles where I was heading operations and management. And then in 2020, I uh, fell sick. I had a very abnormal uh, hormonal imbalance. एंड दैट लेड मी टू टेक अ वार्टिकल सो मैंने तीन महीने का ब्रेक लिया था अपने जॉब से टू फिगर आउट दैट हाउ आई कैन टेक बेटर केयर ऑफ माई हेल्थ ड्यूरिंग दैट टाइम आई डिड अ लॉट ऑफ थिंकिंग एंड आई डिसाइडेड दैट आई एक्चुअली डेंट वॉन्ट टू गो बैक टू द जॉब आई वॉज डूइंग एंड आई डेंट वॉन्ट टू कंटिन्यू वर्किंग इन वॉट आई वॉज डूइंग एंड I actually wanted to uh, try uh, giving meat and you know uh, being a doctor. So the question generally I get asked is that why am I even pursuing MBBS at the age of 30? So I'm right now 29, and by the time the session starts this year, I think I'll, I'll almost be 30. So uh, when I was a kid, uh, when I was small, I uh, was very good at bio. I was very good number. एंड नाइन्थ टेंथ तक तो मुझे डॉक्टर ही बनना था ऐसा था बट ऑफकोर्स वेन द टाइम केम टू चूज बिटवीन इंजीनियरिंग एंड बायोलॉजी मेडिसिन सो बेसिकली उस टाइम पे आई हैड आई हैव अ कजन हुई आई टी बॉम्बे एंड ही बेसिकली सेट दैट यू नो योर फिजिक्स इज गुड मैथ्स इज गुड वाई डू वॉन्ट टू स्टडी मेडिसिन वैन यू कैन एक्चुअली स्टडी इंजीनियरिंग बहुत लंबा है बहुत टाइम लगेगा हमारा तो फिजिक्स भी बढ़िया है एकदम मैथ्स भी ठीक है तो इंजीनियर बन जाओ ठीक है एंड आई यूज टूडली रुकअप टू हेम कि अरे भैया तो मतलब बहुत ही स्टड है एंड uh, मेरे को इनके जैसा बनना है सो आई थॉट कि ठीक है इंजीनियरिंग करते हैं नो लेट्स ट्राई समथिंग

realized during that engineering stint ki i was not very passionate about hardcore engineering and uh, i was more passionate about economics And uh, but never really i wanted to do a phd or anything of that sort so i did not continue education in economics at that time so uh, during the time when i fell sick in 2020 jobman and brekliata so mujay life mein mein kya karu. and you know i didn't want to go back to the job i was uh, फ्री एंड आई वॉज लाइक कि ठीक है क्या किया जाए सो दट दैट टाइम आई काइंड ऑफ आई एव ऑलवेज थॉट इन लास्ट टेन ईयर्स की यू नो वॉट इफ आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर बिकॉज आई वुड बीन मतलब उस समय भी शायद मैं सिलेक्ट हो ही जाती शायद uh, अगर मैं ठीक से पढ़ती तो एंड हमेशा से दिमाग में था बिकॉज एट दैाइम ऑल्सो माई पेरेंट्स यूज टू से यू नो यू शूड बिकम अ डॉक्टर वाई यू बिकमिंग ए इंजीनियर यूर गुड बाई माई टीचर्स यूज टू टेल मी एंड वन ऑफ टीचर्स एक्चुअली गॉट वेरी एंग्री एट मी की इंजीनियरिंग क्यों ले लिया मतलब ये क्या है तो मैं सोचती थी कभी कभी ऐसे एक दो साल में कभी ख्याल आता था कि अरे मैं डॉक्टर होती तो कैसा होता सो टू थाउजेंड में जब मैं बीमार हुई तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करती हूँ जो जिससे लाइफ में सेटिस्फैक्शन हो जिससे लाइफ में मुझे खुशी मिले एंड uh, फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए मतलब यू नो पीपल से आई एस कर लो यूपीएससी कर लो एम कर लो क्योंकि हम तो आगे ये सोचते हैं ना एक कर लिया तो आगे बढ़ू दोबारा थोड़ी जा सकते हो पीछे बट आई थिंक दैट अप्रोच इज रियली रॉन्ग समटाइम्स यू एंड ऑफ डूइंग अ सर्टन थिंग बिकॉज ऑफ सर्टन लॉजिकल थिंग्स मतलब जैसे मेरा पैशन कुछ और था बट मैंने एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट सोच के इंजीनियरिंग कर लिया कि हाँ ठीक है मुझे भी मतलब किसी किसी और को कम्पेयर करते हुए मैंने इंजीनियरिंग कर लिया कि हाँ मतलब यू you नो know, um, किसी और ने किया है तो मैं भी कर लेती हूँ बट आई आई शुड हैव आइडियली फॉलोड माई पैशन एट दैट टाइम इज वेल बट अगेन इंजीनियरिंग बिकेम माई पैशन लेटर इन इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ तो आई हैव नो रिग्रेट्स बट जब मैंने सोचा 2020 तो में तो फिर मुझे लगा कि उस समय डॉक्टर बनना था एंड आई डिड दिस दैपनीज एक्सरसाइज का लिखी गई एंड यू गाइस गूगल इट गूगल पे है एंड इट फिट्स इन माई ओन परस्पेक्टिव आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू बी ऑन द ग्राउंड सेव लाइव क्योंकि जब मैं लास्ट uh, दो साल में मैंने अपनी हेल्थ केयर स्टार्टअप में बताया था एंड आई यूज टू हैंडल अ टीम ऑफ डॉक्टर्स मेरा काम था उनको पेशेंट से कनेक्ट कराना सो so, मैं उनकी कॉन्वर्सेशन सुनती थी जब वो गाइडेंस देते दे थे पेशेंट्स को एंड मुझे लगता था कि मैं क्या कर रही हूँ साइड लाइन में यू नो आई शुड बी अ डॉक्टर आई शुड बी ऑन द ग्राउंड कि कितना सही है आई नो इट्स प्री हार्ड इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल्थ एज आई अंडरस्टैंड एम बी बी एस एन एम डी एंड वट एवर बींग अ डॉक्टर बट इट्स राइट इफ समी वॉन्ट्स टू डू इट सो मुझे लगता था कि यार यू you नो know, मुझे भी ऑन ग्राउंड होना चाहिए मुझे भी uh, क्या कर रही हूँ पता नहीं लाइफ में

I actually realized कि I was giving excuses to myself कि नहीं नहीं मुझे तो बनना था मैं तो बनी नहीं ideally it should have been नहीं बनना था तो बन जो correct so वो uh, काफी uh, insightful discussion था and फिर मैंने बाद में सोचा उस बारे में and I thought कि ठीक है बनना था तो क्यों नहीं बन सकते let's try so essentially that is the reason I want to be a doctor because uh, the child in me the 8th 9th grader the 10th grader who used to be the topper bio always wanted to be a surgeon and uh, I think uh, practical FOMO got in place and it's But uh, I'm doing this for the little girl in my, uh, inside of me who wanted to be a surgeon, and this is why I want to be a doctor. And a uh, lot of people ask me, I'm 30, I'll be 35, so what? Anyway, everybody has to die, right? I mean, why not uh, do things that you like and then die? Uh, there's only one life, no regrets, correct? एंड uh, बहुत लोग बोलते हैं मुझे कि स्पेशली डॉक्टर्स के मैसेजेस आते हैं कि अरे कोई फायदा नहीं है बेवकूफी बेव का डिसीजन है बहुत टफ है ठीक है टफ है, है तो क्या हुआ सब कुछ टफ है टू ईच देर ओन टफ है तो देखा जाएगा डरना क्या राइट आई थिंक इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग यू डोंट रियली अकाउंट फॉर द फ्यूअर सो मच यू आर एबल टू डू इट यू आर एबल टू सेल थ्रू एंड दैट्स आई टू ट्राई आउट आई मीन इफ आई फेल आई फेल इट्स ओके आई मी नो रिग्रेट एटलीस्ट मैं रिग्रेट उन्हें करूंगी कि मैंने कर लिया होता तो मैं क्या करती हूँ आज दैट इज वन थिंग दैट आई डो नॉट वॉन्ट टू लिव विथ एंड आई डिसू माई एम बी बी एस अभी काउंसलिंग चल रही है द फाइनल रिजल्ट मैन आई गेट द फाइनल अलॉटमेंट लेटर लॉड ऑफ यू कीउंड हुआ नहीं है एंड लेट मी सी वॉट आई गेट फाइनली एंड्स वैन आई विल टेल यू ऑल And uh, one thing I want to tell you is that uh, life is too short uh, to not experiment and life is too long to be doing something that you don't want to do. So even if you fail at something, it's fine. Like, it does not even matter because uh, you can do something else, right? It's uh, scope There is no limit to it. And uh, a lot of people ask me that uh, लॉर्ड ऑफ पीपल टेल मी कि हाँ आपके लिए नीट निकालना बहुत बहुत आसान होगा आपने तो इंजीनियरिंग की है फिजिक्स केमिस्ट्री तो आता ही होगा यार पाँच साल नौकरी की है इंजीनियरिंग <laughs> में कोई नहीं पढ़ता कोई <laughs> याद नहीं था मुझे हंड बाट नो बड़ी आई डोट रिमेंबर रिमेंबर ऑल दैट तो देर इज नो इजी देर इज नो डिफिकल्ट इट्स जस्ट द माइंड हाउ यू ट्रेन इट हाउ यू डील विद इट मुझे तो अच्छा लगता था वापस इलेवन ट्वेल्थ पढ़ना इट्स नाइस मुझे कोई जरूरत थोड़ी थी एल डी हेड की टोन पढ़ने की बट देन this, this is how it is. Right? So nothing is easy. Everybody has their own battles. Everybody has their own distractions. It was not easy getting back to studies after hardcore studies after 10 years, it was definitely uh, difficult, but then it was an amazing journey. Like I, I recollect my time of need preparation and I think I've learned a lot and uh, uh, coming to the part that people ask that how to deal with negative emotions, how to deal with, uh, stress i mean i I used to focus on the goal ki karna when you are looking at the mountain uh, you know you want to climb that there will always be problems in between right that's okay i mean the point is you want to go there nothing is rosy right so always remember that and hard work always pays so one thing I, my father always used to say is that work hard today uh, you know smile later and time pass today cry later so it's it's very simple if you are a neat ug aspirant if you don't work hard today you will basically cry later and if you work hard today you will smile later in your dream college i hope that uh, this made sense and this cleared some of the doubts that why am i doing this why am i crazy why am i an idiot so whatever it is it is my story my life and uh, i have no regrets i hope you will lead your life like this see you then bye